हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो वेलकम बैक टू माय चैनल अनु स्पेशल एंड ब्लॉग्स एंड मिनी ब्लॉग्स। तो आज मैं जा रही हूँ बताने आपको परवल का मिठाई मैं कैसे बनाती हूँ। तो मैंने 2 लीटर दूध का बना लिया है, यहाँ पे बहुत ही अच्छा खोआ और उसमें सारे ड्राई फ्रूट्स और शक्कर वगैरह मिला के रेडी कर लिया है। अब परवल को मैं छील ली हूँ और पानी गर्म होने के लिए रख दिया है। तो इसको आजू बाजू का काट के निकाल ली हूँ और थोड़े से मैंने डाल ये कर लिए हैं, छोटी इलायची को रख लिए हैं और परवल को मैं डाल देती हूँ पानी में। आप चीरा लगा के बीज निकाल के भी डाल सकते हैं, मैं गोल गोल डाली हूँ, इससे परवल पचकते नहीं है, अच्छे अच्छे गोल गोल बन के निकलते हैं। दूसरे कढ़ाई में मैं एक चाशनी तैयार करती हूँ जिसमें शक्कर और पानी ऐड करके मैं रख दूँगी चाशनी के लिए। जो छिलके मैंने रखे थे इलायची के वो मैं डाल दी हूँ इसी में और इसके जो अंदर के बीज हैं वो मावा में डाल दी हूँ। तो चलो अभी इसका परवल को हम निकाल लेते हैं बीज वगैरह। तो यहाँ पर हम बीज निकाल लिए हैं और हमारी चाशनी ऑलमोस्ट बन के रेडी हो गई है और बीज भी निकल गए हैं। तो ये तो परवल एक एक करके हम डाल देते हैं चाशनी में ताकि वो अच्छे से चाशनी में परवल पक जाए और कलर भी ना जाए। कलर भी आप ऐड कर सकते हैं, मैं कलर ऐड नहीं की हूँ। देखिए यहाँ बहुत ही ट्रांसपेरेंट कलर के हो गए हैं और इसे हम कर देते हैं अभी गैस को बंद क्योंकि ये बहुत ही सुंदर से बन गए हैं और मैंने कलर बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया है। तो इसे हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं और थोड़ी ठंडी होने के लिए छोड़ देते हैं। तो एक एक करके हमने निकाल ली है, चाशनी थोड़ी सी बच गई है तो किसी और चीज़ में उसका इस्तेमाल करेंगे। तो चलो अभी हम आपको दिखाते हैं कि कितनी सुंदर ट्रांसपेरेंट हो गई है और ये हमारा मावा बिल्कुल बन के तैयार है। तो इसको हम फिल करते हैं और परवल देखिए हमारी कितनी अच्छी बनी है ना, एकदम ट्रांसपेरेंट चाशनी में डूबी हुई। तो एक छोटा छोटा हम बॉल बनाएंगे मावा का और उसको फिल कर देंगे अच्छे से, दबा दबा के बहुत अच्छे डालने हैं ताकि मीठा मीठा अच्छा लगे। और ऐसे मैंने डाल दिया है और ऐसे ही करके मैं एक एक करके सारे तैयार कर ली हूँ बना के। इसको थोड़ा से हम गार्निश करेंगे तो मैं कोकोनट पाउडर से गार्निश कर रही हूँ ताकि जो मावा है हमारा निकल के बाहर ना निकले और इसे सुंदर से हम गार्निश कर लेंगे। और इस पे हम ऊपर से आप कोई चेरी वगैरह रेड कुछ भी गार्निश कर सकते हैं। मैं यहाँ पे कर रही हूँ ड्राई फ्रूट से जिसमें ये गार्निश मेरी ऑलमोस्ट हो चुकी है। तो टन टन आना, यहाँ पे देखिए हमारी बन के तैयार हो गई है परवल की मिठाई, बहुत ही अच्छी। तो चलो पूछते हैं हस्बैंड से उनको कैसी लगी। अच्छा लगा।